हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्या मैथ। और बीसी मैथमेटिक्स के इस वीडियो में जैसा कि हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पर डिस्कस कर रहे थे, और थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम एक टॉपिक पढ़ा रहे थे आपको, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में लगभग जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन है वो सब मैंने आपको बता दिया हुआ है, और उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो भी मैंने सॉल्व करा दिया हुआ है। तो आप उन सभी टॉपिक के वीडियोज आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। और आज हम दो और क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बट अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएं तो आप उन्हें कैसे सॉल्व करिएगा, किस ट्रिक टेक्निक से सॉल्व करिएगा, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर यह इक्वेशन आपको दे रखा है, राइट। फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, यहाँ पर ए और बी करके मैंने दो रूट्स लिए हैं, राइट। देखिए, क्वेश्चन के कहने का ये मतलब हुआ कि आपको एक इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिए गए हैं और इसके रूट्स अल्फ़ा बीटा गामा हैं, ओके। और इस इक्वेशन की हेल्प से आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए, कुछ इस टाइप के होने चाहिए, राइट। और दूसरा कुछ इस टाइप के होने चाहिए, राइट। दो इक्वेशन हमें बनानी है, राइट, जिनके रूट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हैं और यहाँ पर किस तरीके से ए और बी करके मैंने ले रखा है, राइट। वही काम हमें इस क्वेश्चन नंबर टू में करना है। इफ़ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, राइट, ये आपको एक इक्वेशन दे रखा है, और इस इक्वेशन की हेल्प से एक ऐसी इक्वेशन आपको बनानी है जिसके रूट्स कुछ इस टाइप के होने चाहिए, ओके। तो अब आप इसे किस ट्रिक टेक्निक से सॉल्व करिएगा, यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझिए, ओके। नाउ मैं इसके सॉल्यूशन पर डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन के, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिए गए हैं, और वन मिनट। द गिवन इक्वेशन इक्वेशन इज एक्स क्यू प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू जीरो, राइट। और इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, ये हैं अल्फ़ा बीटा गामा, राइट। तो आपको पता है इस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, जिसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं सिग्मा अल्फ़ा, मींस कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा ये क्या होगा, माइनस पी, और इसका कोफिशियंट वन है, सो माइनस पी, राइट। अब यहाँ पे सिग्मा अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ये फर्स्ट वीडियो में फर्स्ट या सेकेंड वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, राइट, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फ़ा, ये कितना आएगा, प्लस माइनस प्लस क्यू क्यू, और इसका कोफिशियंट वन है, राइट। और यहाँ से अल्फ़ा बीटा गामा ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा माइनस आर, ओके। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, राइट। अब हमें एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसके रूट्स कुछ इस टाइप के होने चाहिए, राइट। तो इसमें मैं पहले ए वाले पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, लेट, नीचे आपको दिख रहा है ना, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, दिख रहा, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, राइट। अब मैं यहाँ पे ये मान रहा हूँ कि जो नया इक्वेशन हम फाइंड करेंगे, जैसे कि ये एक्स वेरिएबल में था, तो जो हम नया इक्वेशन फाइंड करेंगे वो वाई वेरिएबल होगा उसके लिए, राइट। तो वाई के रूट्स आएंगे, इसका मतलब कि ये वाई के रूट्स हैं, राइट, ये वाई की वैल्यू है, जैसे कि इसके जो रूट्स थे वो एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, एक्स इक्वल टू बीटा और एक्स इक्वल टू गामा है, तो जो नया इक्वेशन आएगा उसके रूट्स कुछ इस टाइप के हैं। तो जो नया इक्वेशन होगा वो वाई में होगा, तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट वाई इक्वल्स कोई एक, मैं रूट्स यहाँ पर लिख लेता हूँ, सॉरी इसको मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, लेट वाई इक्वल्स कोई एक इन तीनों में से मैं लिख लेता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ बीटा गामा प्लस वन बाई अल्फ़ा, राइट। और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा प्लस वन बाई अल्फ़ा, राइट। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन सब को आप एक इक्वेशन मान लीजिए, राइट, एक इक्वेशन नंबर टू आप मान लीजिए इन सब को, राइट। तो अल्फ़ा बीटा गामा यहाँ पर आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, ये आपको माइनस आर दिखाई पड़ रहा है, सो दिस इज माइनस आर, राइट। एक्चुअली ये प्लस में है, तो पहले हम इसको लिख देते हैं, इसके बाद माइनस आर को इधर लिख देते हैं, राइट। और यहाँ पर मैं ये काम कर रहा हूँ, एक्चुअली यहाँ पर ये अल्फ़ा है, तो ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, यानी एक्स इक्वल टू अल्फ़ा। तो देखिए, हम यहाँ पे अल्फ़ा को रिप्लेस कर सकते हैं बाई एक्स से, तो यहाँ पर मैं एक्स कर दे रहा हूँ, राइट। नाउ रिप्लेस, या आप लिख लीजिएगा पुट, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर हम वाई
x फाइंड कर लेते हैं और इस x की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ले आके पुट कर देंगे। बहुत ही आसान है, राइट। तो ये हम करेंगे कैसे, इसको आप इधर मल्टीप्लाई करिएगा। सो ये क्या चीज़ बन जाएगा, y इंटू एक्स। एक्चुअली ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ना चाहिए, राइट। तो ये इधर जाएगा वाई एक्स इक्वल्स टू दिस इज वन माइनस आर, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वन माइनस आर बाई वाई, राइट। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन। और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये हमने कहाँ से लिया हुआ है, फ्रॉम इक्वेशन टू, ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट आप भूल जाएँ, भूल ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को लिखा हूँ, राइट। तो अगर आप x में इसमें पुट करते हैं इक्वेशन वन में, राइट, दिस इज द, यही हमारा इक्वेशन वन था, राइट। तो अगर आप पुट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, वन माइनस आर बाई वाई का होल क्यू प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वन माइनस आर बाई वाई का होल स्क्वायर प्लस क्यू वन माइनस आर बाई वाई प्लस, और यहाँ पे क्या होगा, आर इक्वल्स टू जीरो, राइट। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई कर देना है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई क्यू, राइट, यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर होगा वाई, राइट। तो चलिए यहाँ पर वन माइनस आर का होल क्यू बाई वाई क्यू प्लस ये हो जाएगा पी वन माइनस आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर, सॉरी दिस इज वाई स्क्वायर प्लस क्यू वन माइनस आर डिवाइडेड बाई वाई प्लस आर इक्वल टू जीरो। अब इसको हम अच्छे तरीके से अरेंज कर देते हैं, राइट। वाई क्यू का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरा मतलब कि सबका ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है ये हम यहाँ पे इक्वल कर रहे हैं, राइट। तो इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, राइट, यहाँ पर वाई क्यू है, यहाँ पे वाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ वाई स्क्वायर का और यहाँ पे वाई क्यू का, सो दिस इज आर इंटू वाई क्यू, राइट। उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा, क्यू इंटू वन माइनस आर, और इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वन माइनस आर का होल स्क्वायर और यहाँ पे वाई हो जाएगा, और लास्ट में यहाँ पर यही चीज़ बच जाएगा, मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, वन माइनस आर का होल क्यू इक्वल टू जीरो। ज़्यादा नीचे तो नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, आप उतना तो काम चल जाएगा, राइट। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, राइट, नीचे नहीं दिख रहा होगा बट ये पार्ट आपको दिख रहा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया, राइट। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन था वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं इस सेकेंड क्वेश्चन पर भी डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं यहीं से इस चीज़ को मैं क्लीन कर दे रहा हूँ, राइट। यार एक बात मैं आपको और बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहो भाई, ओके। अगर आप लोग हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट करोगे तो हम भी आपको बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे, और हमेशा ये हम करते ही हैं, राइट, ऐसी बात नहीं है, ओके। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ओके। नाउ सेकेंड क्वेश्चन अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से है, तो सीधे सीधे मैं मान लेता हूँ कि जो नया इक्वेशन आएगा उसका वेरिएबल वो वाई होगा, तो वाई यहाँ पर मैं मान लेता हूँ, राइट, लेट वाई इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा प्लस अल्फा, सॉरी बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, राइट। तो अब देखिए यहाँ से मैं क्या करूँगा, यहाँ से हो जाएगा वाई इक्वल्स अल्फा बाई, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा मैं कर सकता हूँ क्या, दिस इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और एक्चुअली मैं अल्फ़ा एक यहाँ पे लिखा हूँ तो इसको मैं बैलेंस करूँगा तो मैं माइनस अल्फ़ा करूँगा, सो माइनस अल्फ़ा और ये माइनस अल्फ़ा मिलके दिस इज टू अल्फ़ा, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, नाउ वाई इक्वल्स यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फ़ा बाई, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के प्लेस पर मैं पुट कर सकता हूँ माइनस पी,
सो दिस इज माइनस पी माइनस टू अल्फा, राइट। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अल्फा को हम रिप्लेस कर देंगे, राइट। सो वाई इक्वल्स क्या हो जाएगा, दिस इज एक्स माइनस पी माइनस टू एक्स, राइट। ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। नाउ इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम यहाँ से एक्स फाइंड कर लेते हैं कि एक्स कितना होगा। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, स्पेस तो है बट आगे लिख लीजिएगा आप एक्स पुट एक्स इक्वल्स टू अल्फा, या फिर रिप्लेस कर रहे हैं हम, राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस इज माइनस पी वाई माइनस टू एक्स वाई, और इसको भी मैं इधर लाऊंगा तो माइनस एक्स इक्वल जीरो हो जाएगा, राइट। तो माइनस कॉमन करके हम इसको जीरो कर लेते हैं, तो सब प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, राइट। यहाँ से हम एक्स कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स माइनस पी वाई, राइट। तो एक्स कॉमन करेंगे टू वाई प्लस वन, सो दिस इज टू वाई प्लस वन, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन वन में, ओके। तो जब हम ऐसा पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, माइनस पी वाई बाई टू वाई प्लस वन का होल क्यू प्लस पी माइनस पी वाई टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी वाई टू वाई प्लस वन, राइट। और इसके बाद लास्ट में सीधे सीधे आर इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, राइट। अब इसके बाद हम इसे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस पी का क्यू वाई का क्यू, और नीचे हो जाएगा टू वाई प्लस वन का होल क्यू, राइट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्चुअली ये प्लस माइनस मिलकर माइनस होगा, सो दिस इज माइनस एंड पी वाई बाई टू वाई प्लस वन प्लस आर इक्वल्स टू जीरो, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबका डिनोमिनेटर हम यहाँ पे इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर टू वाई प्लस होल क्यू है, सबसे हाई डिग्री ये है, तो इसमें भी टू वाई प्लस वन मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे भी होगा, बैलेंस करेंगे। आप तो ये काम कर ही सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो दिस इज आर टू वाई प्लस वन का होल क्यू पी वाई, ये हो जाएगा टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर टू वाई प्लस वन, राइट। और उसके बाद लास्ट में बच जाएगा माइनस पी का क्यू वाई का क्यू इक्वल्स टू जीरो। आपको नीचे दिख रहा है ना, ज़्यादा नीचे हो गया है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा, राइट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, राइट। तो सिंप्लीफाई करने का प्रोसेस आपको पता है, यहाँ पे 2y प्लस वन का होल क्यू है, तो इसे हम फार्मूले पे ब्रेक करेंगे a प्लस बी के होल क्यू के, राइट। तो जब हम ये ऐसा करेंगे तो जो रिजल्ट है वो हमारा आ जाएगा, राइट। और एक्चुअली मैं लास्ट में रिजल्ट ला करके लिखा हूँ, राइट। इसको मैं करूँगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ये करूँगा तो थोड़ा सा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर जो रिजल्ट है लास्ट वाला, उसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, और ये आपका काम है कि आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत माइनस प्लस का या फिर मिस्टेक हुआ हो तो आप ऐसे खुद से इसे सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका जो रिजल्ट है वो कुछ ऐसा आ जाएगा, पी का क्यू माइनस फोर पी क्यू प्लस एट आर, एट आर ही होगा, राइट। सो वाई का क्यू, उसके बाद होगा प्लस पी का क्यू माइनस फोर पी वाई प्लस ट्वेल्व आर, दिस इज वाई स्क्वायर, राइट। आगे प्लस है बट मैं, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लस, राइट। और उसके बाद ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से होगा, सिक्स आर माइनस पी क्यू वाई प्लस आर इक्वल्स टू जीरो, राइट। ये यहाँ पर ये आएगा, राइट। आप यहाँ पे क्या करिएगा, इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर लीजिएगा कि ये रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये जो सेकंड, ये जो इक्वेशन था, राइट, यहाँ पर आ चुका है, राइट। ये एक ऐसी इक्वेशन है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसके रूट्स जो होंगे वो कुछ इस फॉर्म में होंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं चल रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टू पर, राइट। मैं इसे क्लीन कर दूँ, ओके, मैं क्लीन कर रहा हूँ।
चलिए अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू कुछ ऐसा है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, यहाँ पर ये दे रखा है राइट। तो हमें एक एक ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके रूट्स कुछ इस टाइप में होनी चाहिए राइट। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नो द गिवन इक्वेशन इज एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो राइट। देखिए इस टाइप की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना इतना आसान नहीं होता है राइट, क्योंकि इसको हम आपको सॉल्व करने का मेथड मैं बताऊंगा कार्डन मेथड से राइट, आगे जो वीडियो आएगी उसमें। तो इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा, क्योंकि आपको पता है कि ये क्यूबिक इक्वेशन है, हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे थ्री है, तो इसके तीन इक्वेशन होंगे। सो आई सपोज इट्स रूट्स अल्फा बीटा गामा, सपोज करने की क्या बात है, यहाँ पे अल्फा बीटा गामा ये दिया हुआ है राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा राइट, दिस इज यहाँ पर ये किया जाएगा। एक्चुअली यहाँ पर एक टर्म मिसिंग है राइट, तो ये तो सीधे सीधे जीरो यहाँ पे निकल रहा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस, मतलब कि क्या हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बाई एक्स क्यू का कोफिशियंट, आगे माइनस लगता है, तो ये तो यहाँ पे जीरो आपको दिखाई पड़ रहा है राइट। सो अल्फा बीटा प्लस माइनस में नहीं होगा राइट, एक्चुअली यहाँ पे जीरो और ना तो ये नेगेटिव नंबर है ना तो पॉजिटिव है राइट, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट जीरो लिखेंगे राइट। फार्मूले में तो माइनस होगा ही होगा, माइनस बी बाई ए, बट कोई बात नहीं, माइनस को माइनस जीरो मीन्स जीरो यहाँ पे कर देंगे। सो अल्फा बीटा नाउ बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये हो जाएगा थ्री राइट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा सो ये हो जाएगा माइनस टू राइट। तो अब इसके बाद यहाँ पर ये रिजल्ट ये सब आने के बाद दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दिस इज इक्वेशन नंबर वन राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, इनमें से एक को मैं मान लेता हूँ राइट, लेट वाई इक्वल्स बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, कुछ मैं ऐसा यहाँ पे मान लिया हूँ राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, नाउ ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा राइट। तो देखिए यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर मीन्स बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस फोर बीटा गामा राइट। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या होने वाला है, बीटा प्लस गामा, यहाँ पे बीटा प्लस गामा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, नाउ बीटा प्लस गामा आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस अल्फा, और यहाँ पर जब माइनस अल्फा मैं पुट करूँगा तो माइनस अल्फा का स्क्वायर मीन्स कि अल्फा का स्क्वायर, सो इट विल बिकम अल्फा का स्क्वायर माइनस फोर बीटा गामा। बीटा गामा यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, आप देख सकते हैं कि बीटा गामा माइनस टू बाई अल्फा, क्योंकि अल्फा इधर जाके डिवाइड होगा राइट, तो ये हो जाएगा माइनस टू बाई अल्फा। क्लियर बात, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और यहाँ पर ये माइनस है सो माइनस फोर राइट। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सो वाई इक्वल्स अल्फा स्क्वायर प्लस एट बाई अल्फा राइट। अब एक्चुअली हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे हम राइट, रिप्लेसिंग अल्फा बाई एक्स राइट, नाउ रिप्लेसिंग अल्फा बाई एक्स राइट। तो देखिए यहाँ पर ये आपको क्या मिल जाएगा राइट, देखिए यही सब आपको ट्रिक टेक्निक यहाँ पे लगाना है, सोचना है अच्छे तरीके से। सो ये हो जाएगा वाई इक्वल्स नाउ एक्स स्क्वायर प्लस एट बाई एक्स राइट। तो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये एक्स इधर आएगा, सो दिस इज एक्स वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर वाई प्लस एट, सॉरी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो एक्स क्यू हो जाएगा, सो एक्स क्यू प्लस एट राइट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यू माइनस एक्स वाई प्लस एट, क्लियर बात, इक्वल्स टू जीरो, दिस इज इक्वेशन नंबर वन टू तो माने थ्री मान लीजिए राइट। अब देखिए अब यहाँ से आप कैसे एक्स की वैल्यू अब आप कैसे यहाँ से फाइंड करेंगे, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है राइट, क्योंकि यहाँ से ये फाइंड कर पाना जो है कि इतना आसान काम भी नहीं है ओके। तो इसके लिए हम यहाँ पर टेक्निक ये यूज करेंगे कि इस इक्वेशन वन में से इक्वेशन टू को सब्ट्रैक्ट, इक्वेशन वन में से इक्वेशन थ्री को सब्ट्रैक्ट कर देंगे राइट। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, वन माइनस थ्री। तो जब हम ऐसा करेंगे तो आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा, एक्स क्यू से ये एक्स क्यू कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे थ्री एक्स है, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा, और यहाँ पे एक्स वाई हो जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एक्स कॉमन होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या,
कि 3 प्लस वाई इंटू एक्स ऐसा हो सकता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कि 8 माइनस 2, राइट, सो दिस इज माइनस 6 इक्वल्स टू 0। क्लियर बात। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाउ x आ जाएगा 6 बाई 3 प्लस वाई, नीचे आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ओके, थोड़ा सर्दी जुकाम हो चुका है, राइट। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस x की वैल्यू ले जा करके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर पुट कर दे रहा हूँ, अब इसकी ज़रूरत है नहीं। ओके, नाउ वन मिनट, थोड़ा कपड़ा भीगा हुआ है इसलिए पानी ज़्यादा इस पर आ जा रहा है। चलिए, उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, नाउ एक्स एक्स की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 6 बाई 3 प्लस वाई का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 6 बाई 3 प्लस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6 3 टाइम, सो दिस इज कुछ ऐसा हो जाएगा। और यहाँ पर ये आ जाएगा 3 प्लस वाई का होल क्यूब प्लस ये हो जाएगा 18 3 प्लस वाई और ये हो जाएगा 2 इक्वल्स टू 0। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर इसको आप बैलेंस कर दीजिए, राइट। सो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 216 प्लस इसमें हो जाएगा 18 प्लस 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर, राइट, और यहाँ पर ये आ जाएगा 2 3 प्लस वाई का होल क्यूब, राइट। तो आप इसे आप सिंप्लीफाई कर से आप देख सकते हैं कि 2 कामन हो रहा है, राइट। तो 2 कामन करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 0 2 8 16 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 9 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9, सॉरी मैं इसको पहले लिखूँगा, तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3 × 9 = 27। चलिए इसी को पहले लिख दीजिए, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा क्या, 3 का स्क्वायर 9, 9 × 9 = 81 प्लस वाई का स्क्वायर मीन्स कि 9y का स्क्वायर 3 × 6 = 54, राइट, सो 54y। और इसको आप फार्मूले पर तोड़ेंगे, 3 × 9 = 27 वाई क्यू प्लस 3a² भी तो यानी 27y और यहाँ पर क्या हो जाएगा 9y का स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले हम यहाँ पे वाई क्यू रखेंगे, राइट, वाई क्यू हो गया प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशियंट रखेंगे तो वाई स्क्वायर 9 और कहीं 9 यहाँ पे है, सो दिस इज 18y², उसके बाद वाई, तो वाई वाला यहाँ पे 54 है और कहीं है 27y, 54 और 27 मिलके क्या हो जाएगा 81, सो 81y, राइट, ऐसा होगा। उसके बाद 108 यहाँ है, 81 यहाँ है और 27 यहाँ है, तो इन सब को जब आप एड करिएगा, राइट, 8 × 1 = 9 और 9 = 16 कुछ ऐसा हो जाएगा, 0 और 1 हो जाएगा, सो 1 × 1 = 2, राइट। सो ये अपना इक्वेशन निकल गया, राइट। सो आई होप कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया और इसके साथ तो जो दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप खुद से इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, या फिर अगर कहीं से आपको कोई डाउट आता है तो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे है, राइट, तो वहाँ से ज्वाइन होकर के भी आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो एक बात और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, और अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।